हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंकिता सोलंकी आज आपके साथ एक न्यू रेसिपी लेके आ गई हूँ। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल कटलेट्स, जो बहुत ही टेस्टी और खाने में क्रिस्पी ऊपर से एंड अंदर से एकदम सॉफ्ट लगती है। तो चलिए बनाते हैं मिक्स वेजिटेबल कटलेट्स, और उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ब्रेड कटलेट्स बनाने के लिए हमें चाहिए 3 से 4 उबले हुए आलू, मसाले में हमने नमक, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्ची, गरम मसाला, हल्दी पाउडर एंड चाट मसाला लिया है। 1 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है मैंने। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिया है। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी आप देखना चाहो तो मैं उसका वीडियो अलग से बना लूँगी। मटर के दाने और मकई के दाने मैंने बॉईल करके लिए हैं। धनिया पत्ती ली है, कैप्सिकम, प्याज, हरी मिर्ची, कैबेज और गाजर को मैंने क्रश काट लिया है। करी लीव्स एंड नींबू लेंगे, एक ब्रेड क्रम्स लेंगे हम। यहाँ पे मैंने मैदा, नमक और कॉर्नफ्लोर लिया है प्यूरी बनाने के लिए, और पानी लिया है। और सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप लिया है। अभी हम एक कढ़ाई रख देंगे और गैस की फ्लेम नॉर्मल रखेंगे। कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल देंगे। इसके बाद हम प्याज और हरी मिर्ची को 1 मिनट तक भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है इसे, सिर्फ इसकी कचास दूर हो जाए और उसमें से जो पानी है एक्सेस वो निकल जाए, इसके लिए हमें ये करना है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो नॉर्मली। अभी करी पत्ते को मैंने यहाँ ऐसे तोड़ के डाला है जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है कटलेट्स में। अभी हम जो कैबेज काट के रखा है, गाजर और कैप्सिकम, इस तीनों को मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे चलाते रहेंगे इस तरह से। इसे हमें पकाना नहीं है, मैंने पहले ही बोला है। आप चाहो तो कटलेट्स बनाते टाइम ऐसे ही इसको डाल के भी कटलेट्स बना सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा कच्चापन लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे कढ़ाई में 1-2 मिनट चला के फिर कटलेट्स बनाने वाली हूँ। अभी हम मसाला डाल देंगे। मसाला डालते टाइम हम गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे जैसे कि मसाला जल ना जाए। अभी इसमें हम 3 टेबलस्पून जितना ब्रेड क्रम्स और 3 से 4 आलू जो उबाल के लिए है वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। अभी हमने जो मकई के दाने और मटर के दाने बॉईल करके लिए हैं उसे भी ऐड कर देंगे इसमें। मकई के दाने और मटर के दाने को बॉईल करके ही लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा पका नहीं रहे हैं, नॉर्मली पका रहे हैं तो वो पकेगा नहीं इसकी वजह से। अभी हम एक नींबू इसमें निचोड़ देंगे। आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हो तो आप इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। रेडी है हमारा मसाला। अभी हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड कर देंगे, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। अभी हम इसे 15 मिनट तक ढक के रख देंगे जिससे कि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद हम कटलेट्स बनाएंगे इसकी, क्योंकि अभी ये गरम है, गरम कटलेट्स बन नहीं सकती है। 15 मिनट के बाद हम इन सारी चीज़ों को साफ हाथों से मस लेंगे और आलू को मैश कर लेंगे जिससे कि हमारी टिक्की अच्छे से बन पाए। हम कटलेट्स को कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे गोल गोल करके फिर राउंड शेप दे रही हूँ। इसे हम दबाते दबाते इस तरह से साइड की किनारी दबा के
बना लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी कटलेस भी बना लेंगे। पहले गोल करेंगे, दबाते दबाते जाएंगे और फिर साइड से ऐसे दबाएंगे जिससे कि राउंड शेप में आ जाए। अभी हम सारी कटलेस इसी तरह से बना लेंगे। आप चाहो तो उसे लंबा शेप या फिर हार्ट शेप भी दे सकते हो या फिर गोल शेप भी दे सकते हो, आपके हिसाब से। यहाँ हमको प्यूरी बनानी है परत जमाने के लिए। इसके लिए मैंने 1 कप जितना पानी लिया है और मैदा, कॉर्नफ्लोर और नमक लिया है। उसे ऐड कर लेंगे पानी और एक प्यूरी बना लेंगे। देख सकते हो फ्रेंड, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अभी इसको हम कटलेट्स को इस पानी में डुबाएंगे प्यूरी में, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डुबाएंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स के सारे एक्सेस ब्रेड क्रम्स निकालेंगे, फिर से उसको प्यूरी में ऐड करेंगे और फिर से ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। इसे करने से फ्रेंड्स हमारी जो कटलेस है वो ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनती है एंड अंडर से एकदम सॉफ्ट होती है, तो ये खाने में बहुत ही लजीज और टेस्टी लगेगी। इसी तरह से हम सारी कटलेस को 2 बार लेयर बनाएंगे। थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और ले लेंगे और इसी तरह से बना देंगे। अभी हम कटलेस को डीप फ्राई करने वाले हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी ऑयल को गर्म करने रख दिया है। अभी इस कटलेस को हम डीप फ्राई कर लेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करना है फ्रेंड्स, दोनों तरफ से इस तरह से। और डीप फ्राई होने के बाद इसको हम एक टिश्यू पेपर पे रख देंगे जिससे कि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। अब इसी तरह से हम सारी कटलेस को डीप फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये ऑयल मैंने एक बार यूज़ किया हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा कालापन दिख रहा है। ये हमारी कटलेस बनके रेडी है फ्रेंड्स, देख सकते हो कितनी अच्छे से बनके रेडी हुई है। ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। मैं आपको खा के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी बनी है। फ्रेंड्स ये रेसिपी आप भी ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे, लाइक तो बनता है यारो इतनी मेहनत के बाद। और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। न्यू व्यूअर्स से विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा ले जिससे कि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके मैं आती रहूँगी। ओके देन, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्यूअर।